एवरीवन, आज है 3 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में भारतीय सेना के 30वें प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है उपेंद्र द्विवेदी ने। प्लास्टिक कचरे से बना देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है जयपुर का। T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच ये मिला है सूर्य कुमार यादव को। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद सर रविंद्र जाडेजा ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान किया है। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है राजधानी दिल्ली में किया गया। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी सुजाता सोनिक। अभी हाल ही में राजस्थान की मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया है। 10वीं बार लियोन मास्टर का खिताब जीता है भारत के विश्वनाथन आनंद ने। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया गया 1 जुलाई को और प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं कपिल देव। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, दक्षिण एशिया की या आप कह सकते साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जानी है किस राज्य में? तो इसकी स्थापना की जाएगी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एयर इंडिया जो है ये महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती में साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करेगी जो कि भारत में उपलब्ध पायलट ट्रेनिंग क्षमता को और भी मजबूत करेगा। अमरावती हवाई अड्डे के जो रनवे है ना, इसका अभी हाल ही में डेवलपमेंट या आप कह सकते हैं विस्तार किया गया था। किसके द्वारा? राज्य के स्वामित्व वाली महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कंपनी के द्वारा। बात की जाए दी महाराष्ट्र की, देखिए इस स्लाइड में महाराष्ट्र के जितने भी करंट अफेयर के फैक्ट लिखे हैं ये अब आपको रट चुके होंगे क्योंकि जब जब महाराष्ट्र का डिस्कशन आता है मैं यही स्लाइड ऐड करती हूँ। लेकिन अब काफी दिन हो गए हैं, चीजों को आपने रट लिया है ऑलरेडी, तो अभी ये जो करंट के फैक्ट है नेक्स्ट टाइम से आपको चेंज मिलेंगे। महाराष्ट्र के चीजों को मैं अपडेट कर दूंगी। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। मुंबई से आपने याद रखना है अटल सेतु, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनवरी के महीने में किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस है। नेशनल पार्क में संजय गांधी नवेगांव पेच नेशनल पार्क। महाराष्ट्र के सेम वही करंट अफेयर के फैक्ट है जिसकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP ये रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। और 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जो जनवरी में किया गया था ये किया गया नासिक में। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो ये सभी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड। अब यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो गुजरात से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? एक तो यही कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यही है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका नाम है अहमदाबाद में। इसके अलावा सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य है। तमिलनाडु की कैपिटल जो है चेन्नई, इसी चेन्नई में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है इसके द्वारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित होने जा रहा है। और गायों के संरक्षण के लिए जो देश का पहला गौ अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बनाने जा रही है। सवाल नंबर दूसरा है, RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अभी हाल ही में किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में IPL से संन्यास ले चुके क्रिकेटर जो दिनेश कार्तिक रहे हैं ये RCB के बल्लेबाज कोच और मेंटर चुन लिए गए हैं। दिनेश कार्तिक जो है IPL की 5 फ्रेंचाइजी कौन कौन सी है? कोलकाता नाइट राइडर्स हो गया, मुंबई इंडियंस हो गया, दिल्ली डेयर डेविल्स, हालांकि अब दिल्ली कैपिटल ये कहलाता है, पहले दिल्ली डेयर डेविल्स इसे कहते थे, Kings 11 पंजाब जिसे अब पंजाब किंग्स कहते हैं, और RCB। इन 5ों फ्रेंचाइजी में ये खेल चुके हैं, कुल 257 मैचेस इन्होंने खेले, हालांकि अब तो ये संन्यास ले चुके हैं। संन्यास की बात की ही जा रही है तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और सर रविंद्र जडेजा इन्होंने अभी हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, अभी हुए T20 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद ही। सवाल नंबर तीसरा है, विश्व खेल पत्रकार दिवस ये मनाया कब जाता है? जुलाई महीने की 2 तारीख को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। खेल और पत्रकारिता के प्रति विशेष रुचि और गहरा जुनून रखने वाले कई लोग अक्सर खेल पत्रकारिता करते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने 1994 में पेरिस में जो समर ओलंपिक हुए थे इस दौरान एक संगठन के रूप में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन के स्थापना दिवस की याद में 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस की स्थापना या आप कह सकते हैं शुरुआत की थी। GST डे,
एसबीआई का स्थापना दिवस, और इसके अलावा कल हमने क्या देखा है, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे, ये सभी मनाया जाता है। हमने डिस्कस किया है जुलाई महीने का दूसरा इंपॉर्टेंट डे जो कि है विश्व खेल पत्रकार दिवस। चौथे नंबर का सवाल है, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट होगा 2026 में, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दो कंट्री इसे मिलके होस्ट करने जा रही है, एक तो अपना ही देश भारत है, दूसरा हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 मैचों वाला ये जो टूर्नामेंट है ये उसी फॉर्मेट में खेला जाएगा जैसे कि अभी 2024 का खेला गया है। कौन सा फॉर्मेट है? T20, यानी कि 20 ओवर का ये मैच होगा। अब यदि मैं बात करूं आईसीसी की, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने के लिए यह बॉडी है जिसका फॉर्मेशन ईयर 1909 है, दुबई यूएई हेडक्वार्टर, ग्रेग बार के लिए अध्यक्ष हैं। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो अभी पिछला हुआ, भारत ने होस्ट किया, 13वां जिसका एडिशन था, ऑस्ट्रेलिया जिसका विजेता था। और इस साल 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया साउथ अफ्रीका में, 15वां एडिशन था, इसमें भी सेम विजेता ऑस्ट्रेलिया था भारत को हरा करके। T20 वर्ल्ड कप ये भी भारत जीता है साउथ अफ्रीका को हरा करके। करंट से यदि रिलेट करेंगे ना तो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एलडुजी बनी है। T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप ये जो भारत ने जीता है साउथ अफ्रीका को हरा करके, इसका आयोजन बारबाडोज में किया गया था, वैसे होस्ट कर रहे था अमेरिका और वेस्ट इंडीज। अब यदि मैं ऑप्शन को रिलेट करूं तो आप रिलेट कर सकते हैं पिछले साल का जो एशिया कप था पुरुषों का, ये दो कंट्री में आयोजित किया गया था, पाकिस्तान में और श्रीलंका में। बात की जाए यदि अमेरिका और वेस्ट इंडीज की, तो यही मैं बात कर रही हूँ। अभी जो T20 वर्ल्ड कप समाप्त हुआ जिसका विजेता भारत है, ये आयोजन किया गया है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। और अभी पिछले ही साल का जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप रहा था, ये आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, जिसमें कि विजेता रही है स्पेन की महिला फुटबॉल टीम। सवाल नंबर 5वां है, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है मैत्री, इसका आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जाता है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है जो कि 1 से 15 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास इसका ये 13वां संस्करण है। लास्ट टाइम ये आयोजित किया गया था 2019 में मेघालय के उमरोई में। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, करेंसी बहुत, ये बात नहीं बहुत होगी, प्राइम मिनिस्टर स्रेथा थावेसिन हो जाएंगे। ये वही थाईलैंड है जो कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का तीसरा देश बना है। अब यदि मैं बात करूं अदर ऑप्शन की, तो जापान के साथ भारत की जो एक्सरसाइज होती है इसमें एक आप रिलेट कर सकते हैं धर्म गार्जियन, दूसरा आप रिलेट कर सकते हैं वीर गार्जियन, तीसरा आप रिलेट कर सकते हैं जिमैक्स, क्योंकि ये जो जिमैक्स एक्सरसाइज है अभी पिछले ही महीने आयोजित की गई है। इसके अलावा आप रिलेट कर सकते हैं शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज। फ्रांस के साथ जो भारत की एक्सरसाइज है इसमें एक तो आप रिलेट करेंगे शक्ति, एक रिलेट करेंगे वरुण, एक रिलेट करेंगे गरुण और एक रिलेट करेंगे फ्रिंजेक्स। अमेरिका के साथ भारत की जो एक्सरसाइज है इसमें एक आप रिलेट कर सकते हैं युद्धाभ्यास, कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रंप, और अभी रिसेंटली कोलकाता में आयोजित किया गया तर्कस अभ्यास। सवाल नंबर है 6वां, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय यूनियन परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये अध्यक्षता अभी हाल ही में यूरोपियन कंट्री हंगरी ने संभाल ली है 6 महीने के लिए। तो हंगरी के यूरोपीय संघ मामलों के मंत्री जानोस बोका ने इसकी जानकारी दी। अध्यक्षता पद ये हर 6 महीने में यूरोपीय संघ के जो मेंबर्स होते हैं इनके बीच बदलता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर 2024 तक यूरोपीय यूनियन का अध्यक्षता ये करने वाला है हंगरी। हंगरी की कैपिटल हो जाएगी बुडापेस्ट, यहाँ के राष्ट्रपति तमस सुलियोक, प्रधानमंत्री हो जाएंगे विक्टर ओरबन। मैं आपको बता दूं यूरोपीय यूनियन में कुल मेंबर कंट्रियों की संख्या ये हो जाएगी 27, हालांकि ब्रिटेन अब इसका मेंबर नहीं है। श्रीलंका इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष है, भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष है, जबकि अभी रशिया को ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली है।
सवाल नंबर सातवां है, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? भारत के द्वारा कुल जीते गए हैं 8 मेडल। इसका आयोजन जॉर्डन के अम्मान में किया गया था, तो भारत इस पदक तालिका में 8 मेडल के साथ टॉप पर रहा है। युवा भारतीय पहलवानों ने फ्री स्टाइल कुश्ती में 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज अपने नाम किए। 70 किलोग्राम की कैटेगरी में अभिमन्यु ने, 92 किलोग्राम की कैटेगरी में ज्वाइंटी कुमार ने, 97 में साहिल जगलान और 125 किलोग्राम की कैटेगरी में अनिरुद्ध कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। 8वें नंबर का सवाल है, उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? मनोज कुमार सिंह, जो कि 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, ये भी लास्ट जून को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। इसके पहले हुआ करते थे दुर्गा शंकर मिश्र। यदि आप रिलेट करेंगे तो मेघालय की पहली महिला डीजीपी के रूप में इदा सीसा नोंगरांग की नियुक्ति की गई, वैसे ही महाराष्ट्र की जो डीजीपी बनाई गई है रश्मि शुक्ला बनाई गई है। 9वें नंबर का सवाल है, हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 का रिलीज किया गया है, इसमें जिस कंट्री को टॉप पर रखा गया है ये हो जाएगा सिंगापुर। IMF ने जून 2024 को अपनी वेबसाइट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक डैशबोर्ड जारी किया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता के लिए ग्लोबल लेवल पर 174 कंट्रीज पर ये रैंकिंग रिलीज की गई है, जिसमें कि भारत को 72 प्लेस पर रखा गया है। IMF का फॉर्मेशन ईयर है 1944, हालांकि विकिपीडिया करेंगे तो 45 मिलता है, एक्टिव 1945 से है। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर, एमडी इसकी क्रिस्टीना जॉर्जीवा है। आप याद रखिए, इसकी जो डिप्टी एमडी है ये भारतीय मूल की है, जिनका नाम हो जाएगा गीता गोपीनाथ। और इसके अलावा आप रिलेट कर सकते हैं, इसी IMF के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है, रिपोर्ट का नाम हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये IMF ही जारी करता है। अच्छा, IMF ने अनुमानित GDP क्या फोरकास्ट की है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की, तो ये याद रखें 6.8%। अब अमेरिका किसमें टॉप पर है? देखिए, सिप्री ने अभी हाल ही में रिपोर्ट रिलीज की थी सैन्य व्यय वाले देशों की, सबसे अधिक सेनाओं पर पैसा खर्च करने वाला जो देश है ये अमेरिका है। सवाल आप लोगों के लिए एक छोड़ देती हूँ, भारत की क्या रैंकिंग है इसमें, अपनी सेनाओं पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने के मामले में भारत किस स्थान पर है ये बताइएगा। रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज की गई है, जिसमें कि मैं आपको बता दूं 2024 की अपडेट हो चुकी है ना, जिसमें कि आइसलैंड को टॉप पर रखा गया है। इसमें इंडिया की रैंकिंग ये हो गई है 129। वैसे यदि आप रिलेट करें तो लास्ट ईयर भी भारत खुशहाली सूचकांक में 126वें पर था, अभी भी इस साल भी भारत 126वें पर है, पिछले साल भी फिनलैंड टॉप पर था, इस साल भी फिनलैंड टॉप पर है। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली अपना ब्रांड एंडोर्सर्स किसे बनाया है? तो अभी हाल ही में जो सुमित नागल हैं, जो कि है टेनिस खिलाड़ी, इन्हें अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, जिसकी स्थापना 1908 में हुई, वडोदरा गुजरात में, हेडक्वार्टर MD CEO देवदत्त चंद हो जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी SBI के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया था, जबकि नीरज चोपड़ा जो है ये स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप दूत के रूप में नियुक्त किए गए थे। स्टैटिक में आज हम देख लेते हैं भारत के प्रमुख वाटरफॉल्स, जैसे कि कर्नाटक में एक तो जोग गड़सोप्पा वाटरफॉल है और शिवना समुद्र वाटरफॉल है, कुंचिकुल वाटरफॉल भी आप यहीं से रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा गोवा का है दूध सागर, अथिरापल्ली है केरल में, हुंडरू है झारखंड में, हाथी जलप्रपात है शिलोंग मेघालय में, चेरापूंजी में है नोह कलिकाई और तालकोना हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। मैंने कल आपसे पूछा था लोकसभा नेता प्रतिपक्ष कौन चुने गए हैं, राहुल गांधी राइट आंसर था। आज का सवाल है, भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसका जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।